ये थाना सिंधौली में सोनू नामक एक लड़के की हत्या हुई थी, जिसमें उसके गर्दन और ठुड़ी पर धारदार हथियार से वार किए गए थे और उसके पैर पे लाठी से वार किया गया था, जिससे उसकी दोनों टीबिया और फिबुला दोनों फ्रैक्चर पाई गई थी। घटनाक्रम ये था कि रात को 8 साढ़े 8 बजे ये जो मृतक है वो अपने घर पे खाना वाना खा के सो गया था। उसके बाद ये मालूम चला कि रात में कहीं बाहर निकला, तो इस सूचना पर कि रात में बाहर निकला इसको डेवलप किया गया था और इसके कॉल डिटेल्स ये क्लियर हो गया कि एक नंबर था जिसने रात को 12:08 पे इसको फ़ोन किया था। उस नंबर के बारे में गहनता से छानबीन की गई तो ये पता लगा कि ये नंबर अमन नाम के एक लड़के का है और जब उसकी भी डिटेल्स मंगाई गई तो इसमें रात में इस एक और नंबर से उसकी लगातार इंटरेक्शन थी, जिसमें मैसेजेस थे और कॉल्स भी थे। ये मालूम चला कि वो लड़का मुकेश है। जब अमन की गिरफ्तारी की गई है कल रात में, तो उसने इस घटना में अपना रोल, इसमें उसने जुर्म इकबाल किया और उसके साथ में मुकेश का भी होना बताया। कारण प्रेम संबंधों को लेकर रहा है, जिसके बारे में बहुत विस्तार से पब्लिसाइज करना उचित नहीं होगा, और इसी के वजह से उसने इसकी हत्या की योजना बनाई, इसी के लिए उसने उसको बुलाया। चूंकि अमन मृतक का मित्र है रहा है और मुकेश भी, ये सब कॉमन फ्रेंड्स रहे हैं, और इसको वहाँ बुलाकर बाहर इसके पैर पे पहले लाठी से वार किया गया और उसके बाद फिर फरसे से इसके कुल्हाड़ी से इसके गर्दन पे और ठुड़ी पे वार किया गया था। फरसे और जो लाठी है उसको इन्होंने नहर में ही फेंक देना बताया, जिसके निशानदेही पर अभियुक्त के ही वो फरसा और वो लाठी वो बरामद किया गया है। उल्लेखनीय बात यह भी है कि जब इनके घर की तलाशी ली गई है तो अमन के घर से वो कपड़े बरामद हुए हैं जिस पर मृतक के ब्लड लगे हुए हैं, जिस कपड़े को पहनकर उसने वो घटना की थी। तो बहुत साइंटिफिक एविडेंसेस इसमें कलेक्ट किए गए हैं और बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि इसमें अच्छी पैरवी भी होगी और अभियुक्तों को सजा दिलाई जाएगी।